पधारिए पंडित जी। ठीक है ठीक है, इसे भी पहन लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। अरे तुम तो डालो। हाँ आई। अरे बिना पूछे ही सारे चले गए। ये भी पहन लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। मेरा मतलब था ठाकुर साहब कि वो जरा जो बोलिए। हाँ तो समधी जी, पहले जरा व्यवहार की बात हो जाए। जरा रुकिए समधी जी, ठाकुर मुरत सिंह और लाला जी रुपया और दहेज का सामान लेकर आई। यानी रुपया तो रुपया, दहेज भी गुल। नहीं नहीं, ऐसा मत समझो, इत्मीनान रखो। देखो जी, हम साफ आदमी हैं, हमसे चलाकी वलाकी नहीं चलेगी। हाँ लाला जी और ठाकुर साहब भी आ गए। नमस्कार जी। देवी चाचा, हम बहुत शर्मिंदा हैं, रुपया और दहेज का इंतजाम ना हो सका। क्या हुआ ये कि हम बताई हैं सरकार, हम बताई हैं, हम शहर से अपने भतीजा को ट्रक में सामान लदवा के भेज रहे और साथ में रोकला पैसा भेज रहे। ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, सामान स्वाहा भस्म हो गया और हमारा भतीजा मर गया। अब ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, आपका स्टैंप पेपर वापस ले लो, हमारा 10,000 रुपया हमें दे दो अभी। क्या कहते हो ठाकुर साहब, मेरी इज्जत और मेरी बेटी की जिंदगी से मत खेलो। अरे खेल तो तुम रहे हो हमारी इज्जत से देवीलाल, हम सब जान गए हैं, ये तुम सबकी मिली भगत है, फरेब है। नहीं नहीं, ये फरेब नहीं है। अरे बनो मत, रहने दो, ना दहेज ना रुपया। तुम समझते हो तुम रोध होकर और अपनी बेटी की दुहाई देकर हमसे दया की भीख ले लोगे? हरगिज नहीं, हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ये शादी कभी नहीं होगी। चाचा हमें तो जाना है, हमारा 10,000 रुपया दे दो। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम जैसा भिखारी मेरा समधी नहीं बन सकता। अब आपको कैसे समझाए, ये फरेब नहीं है। अरे मेरी सारी जायदाद मैंने इस ठाकुर और लाला के पास बेच दी है। बोलो ठाकुर, बोलो लाला, बोलो ठाकुर। अरे बंद करो ये नौटंकी, तुमने हमें यहाँ बुलाकर हमारा खूब मजाक उड़ाया है, ये शादी हरगिज नहीं होगी। उठो बेटे, चलो बरातियो, ये बारात वापस जाएगी। नहीं नहीं समझी जी, बारात वापस मत ले जाएंगे, हम आपके पाँव पड़ते हैं, हमारी इज्जत आपके पैरों में रखते हैं, उसकी लाज रखते हैं। तेरे इस कपड़े के टुकड़े की मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं। अरे 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 ठाकुर साहब, लाला जी कहाँ चले, अभी तो फेरे पड़ने बाकी हैं, मिठाइयाँ बटनी बाकी हैं। अपनी इज्जत दूसरे के पैरों में नहीं रखते देवी चाचा, ये नीच इज्जत का नहीं दौलत का भूखा है, दौलत का। तुम कौन होते हो बोलने वाले? हमारी ये वर्दी देखकर तुम अच्छी तरह पहचान गए होगे कि हम हैं इस देश के सिपाही जो दुश्मनों से देश की सरहद पर रक्षा करते हैं, और देश के अंदर जब तुम जैसे गद्दारों से निपटने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है तब हम हमेशा तैयार रहते हैं। बेटा ये क्या कहते हो, ये तो शहर के बहुत बड़े इज्जतदार आदमी है। ये इज्जतदार नहीं, इज्जत का नकाब चढ़ाए देश के अंदर देश के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्हीं लोगों ने अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला बना दिया है। क्यों हम पर जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हो, हमने क्या किया है? किसी के घर की इज्जत सरेआम उछाल कर पूछते हो हमने क्या किया? ऐसा मत करो, ये हमारे समझी है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अरे का ठाकरों के घर में जन्म लेके गिड़गड़ाते हो देवी चाचा, ये प्राय बेटियों का धन लूटने वाले लोभी कायर को संबंधी कहकर ठाकुर जाति को कलंक लगाते हो। इन्हीं हथियारों के कारण आज देश की कई भोली भाली लड़कियां फांसी का फंदा लगाकर जान दे देती हैं, और तुम इन्हें संबंधी कहते हो? अरे संबंधी तो उसे कहते हैं जो आधे दुख का दावेदार होता है। जोशीली बातों से कुछ नहीं होता बेटा, जिसके घर बेटी हो वही दुख जानता है। बिना ब्याह अगर ये मंडप उखड़ गया तो मेरी बेटी के साथ कोई शादी नहीं करेगा। हम रखेंगे इस मंडप की लाज। क्या कहते हो बेटा? अगर आप आज्ञा दें तो। ये कोई फौजी है या दादा? अरे गांव वालों, 100 बार देवी लाल ने नाग रगड़ी तो हम बारात लेकर आए, अब देख लो लड़के वालों की क्या इज्जत हो रही है। ठाकुर साहब, लाला जी। हाँ जी।
आपने इन लोगों से 400 बीसी करके एक कागज पर स्याही लगवाई थी। वो कागज जरा वो हम लाए हैं, घर से लाए हैं। लाए बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत हो गया। देखो गोपाल, तुम सारे गांव के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। ठाकुर साहब, आपकी इज्जत अगर मिट्टी में मिल जाएगी तो फिर मिट्टी की इज्जत का क्या होगा है? अरे भैया, बहुत गुनगुना गया। अरे देख लिया देवीलाल, आज वही लोग तुम्हारा मान रख रहे हैं जिनको तुमने कभी ठुकराया था। तुम सच कहती हो बजनी जोगन, आज इस बेटे ने हमारी आंखें खोल दी। बेटा हमें माफ कर। अरे ये क्या करते हैं आप तो हमारे पिता समान हैं, पैर तो हम छुएंगे आपके। अरे भाग चलो बरातियों, कहीं जूते ना पड़े। भागो भागो, रुको रुको, जाते रहो। अभी तो तुम्हारा स्वागत होना बाकी है भैया। स्वागत बाद में करना, पहले वो मंगनी वाले गहने तो लाके दो। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अरे मोहन भैया, अरे इनको मंगनी वाले जेवर पहनाई तो चलो। ये क्या बिठा दो सवाल, अपने ही हो गए पराए। अरे क्या कर रहे हो? अरे दहेज लेने वालों का मुंह यू काला गलूटा ही हुआ करता है। दहेज तो तुमने मांगा था, फिर मेरा मुंह यू काला करवाया। अरे दहेज मांगने वाले बाप के बेटे का भी यही हाल होता है। अरे अपनी फटफटिया तो लेते जाओ। अरे बापू, दुल्हनिया ना तो ना सही, फटफटिया तो दे रहा है। और उस फटफटिया में ना ही तेल पड़ता है, ना ही वो पंचर होती है, और ना ही उसमें जैक लगाना पड़ता है। अरे पर वो है कहाँ? यही है, आओ दिखा दे।